दोस्तों बिहार की राजनीति में लगातार उथल पुथल मचा हुआ है। आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर के फिर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि पूर्णिया की सीट पर जहां पप्पू यादव कांग्रेस के लीडर होने के नाते अपनी दावेदारी ठोक रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आज बीमा भारती ने लालू यादव के साथ अपनी एक तस्वीर साझा कर दी है, जो तस्वीर अब लोगों के सामने आ चुकी है, जिसमें यह देखा जा रहा है कि किस तरह से लालू यादव जी जो हैं वो बीमा भारती को राजद का सिंबल दे रहे हैं, यानी कि एक ही सीट पर दो दो गठबंधन के प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं। लालू यादव बीमा भारती को अपना कैंडिडेट बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव साफ साफ ये बात कह रहे हैं कि हम दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, इस तरह की वो बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस गठबंधन को गठबंधन बनाने के लिए देश की राजधानी दिल्ली जाना पड़ा, वहां से फिक्स होकर के ये बात सामने आई कि चलो बात बन गई है, 9 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी, सूत्रों से ऐसी खबरें सामने आने लगी, लेकिन फिर क्या हुआ कि अचानक से बीमा भारती जी की एक तस्वीर सामने आ गई और उस तस्वीर ने बिहार की राजनीति में तहलका मचा दिया है और फिर एक बार ये खबर सामने आने लगी है कि आखिर कांग्रेस करना क्या चाहती है। लालू यादव पर आरोप लगाने से पहले सवाल तो ये उठता है कि जब पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में किया तो यकीनन उनका यह शर्त रहा होगा कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो फिर कांग्रेस पप्पू यादव को धोखा क्यों दे रही है। लालू यादव या तेजस्वी यादव पर आरोप लगाने से पहले सवाल तो यही होना चाहिए, क्योंकि जब पूर्णिया के बारे में लालू यादव के समीप पप्पू यादव ने बात रखी थी तो यकीनन वो इस बात के लिए सही तरीके से माने नहीं थे और तभी लालू यादव ने कांग्रेस के साथ अपनी पार्टी का विलय कर लिया, शायद इस बात को लेकर के कि वो पूर्णिया से अपने चुनाव की घोषणा करेंगे और वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब जो तस्वीर सामने आ रही है, हम आपको वो तस्वीर दिखा दें दोस्तों, जिसमें साफ साफ ये बात समझ में आ रही है कि किस तरह से, ये वो तस्वीर है, आप देखिए कि किस तरह से लालू यादव जी जो है वो बीमा भारती को राजद का सिंबल दे चुके हैं, यानी कि राजद पार्टी से बीमा भारती जी चुनाव लड़ेंगी, ये बात सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करते हुए सीधे सीधे पप्पू यादव ने कहा था कि दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, तो भैया पप्पू यादव जी अब क्या करेंगे, क्या वो पार्टी छोड़ देंगे या फिर पूर्णिया छोड़ देंगे, दोनों में से कोई एक तो बात होगी, या तो वो गठबंधन छोड़ देंगे या फिर कांग्रेस पार्टी को छोड़ देंगे या फिर निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ेंगे या फिर फ्रेंडली फाइट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार की राजनीति में ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों पप्पू यादव से लालू यादव को परेशानी हो रही है। ये बात खुद पप्पू यादव ने आज मीडिया कर्मियों से बताई, जब वो कटिहार में थे तब उनका कहना था कि न जाने क्या वजह है, न जाने लालू यादव जी को पप्पू यादव से क्या परेशानी है। ये परेशानी वही परेशानी है, अगर आपको याद ना हो तो याद कीजिए कि किस तरह से लालू यादव जी ने शुरुआती वक्त में भी पप्पू यादव के साथ एक बार बहुत बड़ा काम किया था, जब पप्पू यादव के फूफा को चुनाव हराने के लिए पप्पू यादव को खड़ा कर दिया गया और अगले ही साल पप्पू यादव को लालू यादव जी ने टिकट नहीं दिया था, तब निर्दलीय पप्पू यादव ने फाइट किया था और वो चुनाव जीते भी थे, वो अलग बात थी कि बाद में पप्पू यादव जी जो हैं वो लालू यादव के साथ ही चले गए थे। ये बात लगभग आज से 30 साल पुरानी है, लेकिन आज भी हालात वही है। पप्पू यादव को आखिर क्या वजह है कि लालू यादव जी इस तरह से परेशान कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण पर पप्पू यादव जी ने मीडिया कर्मियों से जो बातचीत की है दोस्तों, वो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से, ये देखिए आप तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बीमा भारती जी ने पार्टी जो है वो ज्वाइन किया था, यानी कि वो लालू यादव जी की पार्टी में सदस्यता ली, पहले वो जेडीयू में थी, उसके बाद वो राजद में जाती है और राजद में वो पार्टी ज्वाइन करती है, उस वक्त की ये तस्वीर है। अच्छा, अब इस दो तस्वीर में एक बड़ी खास चीज आपको बताते हैं, ये जब की तस्वीर है और ये जब की तस्वीर है, दोनों तस्वीर आपको एक चीज इसमें कॉमन लग रहा होगा, वो कॉमन चीज क्या है, वो कॉमन है ये हाथों में चूड़ियां, ये बदन पर जो लिबास है वो दोनों ही चीज सेम है, यानी कि ये दोनों तस्वीर एक ही दिन की है, मतलब साफ है कि लालू जी से और तेजस्वी जी से ये मुलाकात उसी दिन हुई थी और ये मुलाकात आज से लगभग 8 दिन पहले हो चुकी है, 7-8 दिन पहले हो चुकी है, मतलब जिस दिन इन्होंने पार्टी ज्वाइन किया लालू जी ने उसी दिन सिंबल दे दिया। तो एक बात यह भी हो सकती है कि चूंकि कल ही दिल्ली में कांग्रेस और राजद के बीच में गठबंधन बन चुका है, मतलब बात बन गई थी कि हाँ भैया हम इतने सीट पर और आप इतने सीट पर, पूर्णिया से हमारा उम्मीदवार होगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीमा भारती जी ने चाल चलते हुए अब यह तस्वीर वायरल कर दी है कि हमें टिकट दे दिया गया है, एक माहौल देने की कोशिश की गई है। हो यह भी सकता है कि आज कल में फैसला पलट जाए और पप्पू यादव जी को टिकट दे दिया जाए पूर्णिया से, लेकिन सवाल यह उठता है कि इतना असमंजस क्यों है,
क्या ऐसी वजह है। पप्पू यादव जी का एक छोटा सा बयान आपको हम सुनाते हैं और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ खबरें हैं, क्या कुछ बातें सामने आ रही है। यकीनन ये जो खबर है वो पप्पू यादव जी इस पूरे मामले से काफी आहत दिखाई दे रहे हैं और उनकी बातों को सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि वो काफी चिंता में नजर आ रहे हैं और उनकी चिंता वाजिब भी है और वाजिब हो भी कैसे नहीं, ये आपको हम अभी सुनाते हैं कि किस तरह से पप्पू यादव जी ने कटिहार में जो है वो सारी बातें कही है और उनकी बातों को आप सुनेंगे तो आपको उनकी दर्द और पीड़ा समझ में नहीं लड़ूंगा। सुपौल चुनाव नहीं लड़ूंगा, पूर्णिया से मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप जिसको देंगे या आप हमें कहेंगे कोई मजबूत कैंडिडेट दो, मैं अपनी जितनी क्षमता लानी ईश्वर ने दी है हम उसको लगाएंगे इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में। अब क्या करेंगे अब अगर भैया, अब तो कांग्रेस को नेतृत्व को तय करना है ना। मैं तो पूर्णिया में हूँ, मैं इतना जानता हूँ, मुझे इतना आश्चर्य हुआ, इतना आहत हूँ, इतने सत्य के बाद मुझे नहीं पता। तेजस्वी जी जिनको मैं स्पष्ट कहा था मैं आपको मुख्यमंत्री बनाने में हमारी एक भूमिका होगी तो मैं आपके लिए खड़ा रहा हूँ, आपको ये मन में ना आए कभी। अब मैं एक तरफ सारी बात हो जाए और इस तरीके से गठबंधन धर्म पर चर्चा नहीं हो और उसके पहले सिंबल हो जाए, ये तो अब तो कांग्रेस को करना है। अब क्या पप्पू यादव क्या चुनाव लड़ेंगे, सीधी बात पर अगर सवाल पूछा पूर्णिया से। मुझको तो समझ में नहीं आता, पहले कांग्रेस का निर्णय ना आने दीजिए। कांग्रेस ने बीमा भारती आपको फोन किए थे इस तरह की बता रहे क्या भैया, अब हम समझ में नहीं आता। मैंने बहुत पहले हमारी तो बातचीत उनकी बच्ची की जब चुनाव थी तब लगातार हम उनके साथ रहे, जब उनके पति अरेस्ट हुए तब 10 बार हमने उनसे बातचीत की कि आप परेशान मत होइए मैं हूँ। तो मैं तो शुरू से लेके अंत तक उनके हस्बैंड उसके परिवार के साथ एक परिवार की तरह हूँ। राजनीतिक रूप से मैंने उनसे स्पष्ट कहा था कि मैं पूर्णिया ही लड़ूंगा किसी भी कीमत पर, मैं पूर्णिया नहीं छोड़ सकता हूँ, आप मेरी बेटी की तरह आप देख लीजिए, क्योंकि मैं 1 साल से पूर्णिया के हर घरों में हर परिवार में हूँ। तो इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता है मैं तो कि मुझसे क्या परेशानी है लालू यादव जी को। मैं तो हर जगह हर संकट में उनके साथ खड़ा रहा और सबको पता है कि पूर्णिया से पप्पू का रिश्ता और पप्पू का पूर्णिया से रिश्ता सबको पता है। तो उसके बाद तो देखिए ये पप्पू यादव जी ये बात आपने सुनी और इस बात में आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से पप्पू यादव ने ये बात कही है कि न जाने क्या प्रॉब्लम है, न जाने क्या समस्या है लालू यादव जी को पप्पू यादव से। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में अब आगे क्या होने वाला है। यकीनन इस पूर्णिया की सीट ने इंडिया महागठबंधन को पूरी तरीके से तोड़ दिया है और ऐसा लग रहा है कि इन दोनों ही पार्टी के बीच में, कांग्रेस और राजद के बीच में बात नहीं बन रही है। सवाल उठता है कांग्रेस के जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह के ऊपर कि वो कर क्या रहे हैं, आखिर अपनी पार्टी की बात सही तरीके से क्यों नहीं मनवा पा रहे हैं, क्या वजह है कि ये गठबंधन हो नहीं पा रहा है, क्या वजह है कि एक ही सीट पे दो दो इंडिया महागठबंधन के लोग दावेदारी ठोक रहे हैं। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ किसी नई पेशकश।